आर्ट के बारे में जानकारी देने के लिए। मेरा जन्म बीकानेर में हुआ, जो राजस्थान का बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, जो अपनी प्राचुर स्थापत्य कला एवं संस्कृति और आर्ट के लिए फेमस है। मेरा जन्म 1978 में हुआ था, और उसके बाद में मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा श्री महावीर स्वामी से काफ़ी, जो एक जाने माने मिनिएचर आर्टिस्ट हैं, और उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से प्राप्त की, विद्यासागर उपाध्याय जी के सानिध्य में, और आज मैं आपके समक्ष अपनी कला और इंस्टीट्यूशन आर्ट के बारे में पूरे विस्तार से बात करूँगा, चर्चा करूँगा। आशा करता हूँ आपको ये चर्चा पसंद आएगी। जैसा कि मैंने बताया, मेरा जन्म बीकानेर शहर में हुआ, मैं वहाँ आपकी हवेलियों में खेला कूदा, और मैंने वहाँ पर मैंने अपने लड़कपन तक का समय वहीं पर बिताया। तो मेरे अंदर कुछ, मेरे जहन में कुछ चीज़ें वहाँ की थी जो मेरी यादों में आज तक बसी हुई है, और कोई समय पे वो शहर 2000 रुपयों का शहर हुआ करता था, पर जब मैं अपने एजुकेशन के बाद में उस शहर में वापस गया तो वो शहर एकदम उन हवेलियों को भले नामो निशान मिट चुका था उन हवेलियों का। आज 2000 हवेले में शहर केवल 40 हवेलियों के शहर में सिमट के रह गया। मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाता हूँ। ये उस शहर का वैभव था जो आज बिल्कुल नहीं है, आज खत्म हो चुका है। बीकानेर शहर अपनी स्थापत्य कला के लिए वर्ल्ड फेमस था। यहाँ पर बहुत पर्यटक आते थे इनको देखने के लिए, इन स्थापत्य को निहारने के लिए, पर आज एक तरह का माफिया इसको पूरा बर्बाद कर चुका है। आज ये हालत है इस शहर की। मैं थोड़ा सा इंस्टॉलेशन आर्ट के बारे में बात करना चाहूँगा। इंस्टॉलेशन आर्ट क्या है? आज समसामयिक कला में इंस्टॉलेशन आर्ट का नया आयाम है, एक नए तरह के फॉर्म में प्रदर्शित किया जाने वाला नया आयाम है। जैसे ये अलग अलग रूपों में भी, जैसे न्यू मीडिया में और साउंड आर्ट होता है, और साइट स्पेसिफिक होता है, और वीडियो आर्ट होता है, वीडियो इंस्टॉलेशन होता है, तो बहुत सारे आयाम है इस इंस्टॉलेशन आर्ट के। बेसिकली मैंने जो आर्ट की है ये परमानेंट आर्ट है। इस आर्ट के अंदर, इंस्टॉलेशन आर्ट के अंदर परमानेंट भी होता है और अपने आप स्वतः ही खत्म होने वाला आर्ट इंस्टॉलेशन भी होता है। तो मेरा जो आर्ट है वो बेसिकली परमानेंट आर्ट है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दूसरा, इंस्टॉलेशन जब आप करते हैं तो पूरा उसका एक कॉन्सेप्ट का पॉलिटिक्स होता है, एक मटेरियल का पॉलिटिक्स होता है, और उसका विजुअलाइजेशन का पॉलिटिक्स होता है। तो कोई भी आप आर्ट करते हैं उसके पहले उसका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैंने पूरा अपने काम पर पूरा रिसर्च किया है, और रिसर्च करने के बाद मैंने ये इंस्टॉलेशन जो आपके समझ पर प्रस्तुत करूँगा वो मैंने पूरे रिसर्च के बाद में उसको विजुअलाइज किया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया है। और जैसे आप ये मेरा वर्क देखेंगे, ये जैसा कि आपने देखा था वो हवेलियों की ही पार्ट है। ये आप नीचे से देखेंगे, ये पूरे हवेलियों की 300 साल पुराने पार्ट हैं, उसके ऊपर मैंने नई बिल्डिंग्स खड़ी की है। इसका टाइटल है लॉस्ट आइडेंटिटी, क्योंकि वो शहर अपनी एक पहचान खोता जा रहा है। और इसको मैंने नीचे इसलिए दिया है, ये जो वुडन है ये शीशम का है, इसको नीचे से जैसे ग्रेव के अंदर कोई चीज़ दब जाती है उसके ऊपर पूरा नया शहर खड़ा हो जाता है, उसी की तरह ये नीचे दब गई है, जो ये इसकी पहचान थी वो दब चुकी है और उसके ऊपर नई कॉलोनीज खड़ी हो गई है।
जो शहर अपनी आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस था वो अपनी आज पहचान खो चुका है। इसका मेरा टाइटल लॉस्ट आइडेंटिटी था और इसका ये एक्चुअली बहुत बड़ा इंस्टॉलेशन था, लेकिन मैंने आज केवल ये पांच ऑब्जेक्ट रखे ही, इसको एक जस्ट दिखाने के लिए मैंने ये पांच ऑब्जेक्ट ही दिखाया है। ये मेरे कुछ और ये मेरा फर्स्ट साइट स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन है। ये मैंने संदर्भ के अंदर बनाया था, संदर्भ रेजिडेंसी के अंदर बनाया था। ये प्रतापपुर में हुआ था। वहाँ पर अर्थुना करके एक जगह है जहाँ पर आज भी बहुत सारे हजारों मंदिर जमीन के नीचे दबे हुए हैं और कुछ जमीन के ऊपर आए हुए हैं, केवल उनके गुंबद दिखते हैं। तो मैंने वहाँ पर उस जगह पर ये दिखाने का, मैंने बच्चों के साथ इंटरेक्टिव ये किया था, स्कूल के बच्चों के साथ किया था। जैसे अपन बचपन में वो घरौंदे बनाते हैं, तो ये घरौंदे बनाए थे जमीन के अंदर और फिर उसके अंदर मैंने आगे लाइट जलाई थी, दिए जलाए थे। जो मुझे रोशनी दिखाई दी उन मंदिरों में से, वो रोशनी मैंने इसके अंदर दिखाई थी। ये दूसरा प्रोजेक्ट था मेरा, ये डेजर्ट आर्ट प्रोजेक्ट है। ये मैंने बीकानेर के रायसर डेजर्ट के अंदर किया था। ये कोरियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्टिस्ट के साथ और कोरियन आर्टिस्ट के साथ किया था। कोरियन गवर्नमेंट ने इसको फाइनेंस किया था पूरा। इसके अंदर ये ब्लू, मतलब डेजर्ट में आप पानी ढूंढते, तो ये ब्लू कलर मैंने उसके रूप में, उसके एक सिंबल के रूप में लिया है। और यहाँ पर जैसे आज ड्यून्स ख़त्म हो गए, दोहरे ख़त्म हो गए डेजर्ट में भी, तो मैंने रिक्रिएट किए थे डेजर्ट को, वापस रिक्रिएट किया था। मैंने अपना पहला शो किया था वेलकम टू द लूट। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे शहर से आज पूरा आर्किटेक्चर ख़त्म हो चुका है और सब कुछ लूट के ले जा चुके हैं लोग, तो मैंने खुद ने वेलकम किया था कि वेलकम टू द लूट, मतलब आपको वेलकम है, आप लूट के ले जाइए, क्योंकि अब कुछ बचा भी नहीं है वहाँ पे। तो मेरा पहला शो था वो मैंने जवाहर कला केंद्र में किया था और उसके अंदर एक बहुत बड़ा इंस्टॉलेशन था जिसमें मैंने एक विंटेज कार के पीछे ट्रक क्रिएट किया था और उसके अंदर बीकानेर के ही उन हवेलियों के ऑब्जेक्ट्स थे, करीबन 3000 ऑब्जेक्ट्स मैंने उसके अंदर इंस्टॉल किए थे, छोटे छोटे आर्टिकल्स थे और वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा फाइबर ग्लास का था और ये जवाहर कला केंद्र में किया था मैंने। ये लाइफ साइज स्कल्पचर था, इंस्टॉलेशन करीबन ये 25 फीट लंबा था, 10x25 फीट का था। उसी श्रृंखला में मैंने एक म्यूजियम सीरीज बनाई थी। ये वुडन बॉक्स है जिसके अंदर मैंने वही आर्टिकल्स, छोटे छोटे आर्टिकल्स, और ये एक पानी पर इंस्टॉलेशन किया था मैंने, क्योंकि राजस्थान में हमारे बीकानेर है उसमें डेजर्ट में पानी की समस्या बहुत रहती है, तो एक इंस्टॉलेशन ये पानी में किया हुआ था। ये वुडन बॉक्स है जिसके अंदर ये पानी को मैंने गोल्ड के रूप में दिखाया है, क्योंकि पानी प्रीसेस है, जैसे गोल्ड प्रीसेस होता है वैसे ही अपने राजस्थान में पानी डेजर्ट एरिया में बड़ा ही प्रीसेस होता है। ये एक और इंस्टॉलेशन है मेरा म्यूजियम शॉप। मैंने उन्हीं आर्टिकल्स की एक शॉप के रूप में मैंने क्रिएट किया था, जिसको मैं अब आगे करके भी दिखाने वाला हूँ।
ये म्यूजियम शॉप बेसिकली उन्हीं आर्टिकल्स जो छोटे छोटे आर्टिकल्स थे उनके ऊपर मैंने गोल्ड प्योर 24 कैरेट गोल्ड लगाया, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जैसे मेरे लिए वो बहुत प्रीशियस है, क्योंकि वो मेरी मेमोरी से जुड़े, मेमोरी बहुत प्रीशियस होती है गोल्ड की तरह, तो मैंने उसको गोल्ड की तरह ही उसके अंदर ऑरिजिनल गोल्ड उसको लेयर चढ़ाया था उसके ऊपर, क्योंकि वो मेरे लिए प्रीशियस है। ये मैं एक इंस्टॉलेशन आपको करके दिखाने वाला हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये है जेसीबी मशीन। ये बेसिकली प्रतीक है डिस्ट्रॉय करने का। कोई भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना होता है तो अपन जेसीबी मशीन बुलाते हैं। तो बेसिकली ये पूरा एक हेरिटेज को डिस्ट्रॉय किया है, तो ये मैंने अपने इंस्टॉलेशन में इसको भी यूज़ किया है। ये वर्क एक इससे बड़ा वर्क है, वो आरजीबी म्यूजियम के अंदर आज भी डिस्प्ले है हर्ष गोयनका के पास।
ये एक मेरा एक और इंस्टॉलेशन है जिसको मैंने टाइटल दिया रिकॉल। रिकॉल जब राजे महाराजे आखेट के लिए शिकार के लिए जाते थे तो जो शिकार होता था उसके अंदर भूसा भर के और वो अपने महलों में टांग देते थे यादगार के लिए। वैसे ही मैंने जो हवेलियों में आर्ट होती थी, जो हवेलियों के अंदर आर्ट होती थी, जैसे शीश महल बनता था, जैसे ये मनोज का वर्क है, तो ये मैंने वही जानवरों के ऊपर वो आर्ट को वापस से रिक्रिएट किया है और उसको रिकॉल किया है। और जैसे कि कुछ आर्ट आज लुप्त हो चुकी है तो मैंने एक शीट एम्प्टी छोड़ी है। तो बेसिकली इसको बनाने का यही मकसद था, जो हवेलियों के अंदर आर्ट होती थी जो उसको उस हवेलियों को डेकोरेट किया जाता था जिस आर्ट से, जैसे पत्थर की नक्काशी हुई और शीश में जैसे ठीकरी ग्लास का वर्क होता था, ये गोल्डन वर्क होता था, ये मनोज का काम होता था, तो बेसिकली उसको वापस रिकॉल करने की कोशिश की हुई। वो लुप्त प्राय हो चुका है और वो जो मेरी मेमोरीज में है वो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। और आप देखेंगे इसके अंदर मैंने ये वॉल पेपर दिया है, इस वॉल पेपर के अंदर करीबन 2000 अवेलियाँ हैं जो टूट चुकी है, उनके अवशेष जो बचे हुए हैं वो आप इसके अंदर देख सकते हैं। इस वॉल पेपर के अंदर मैंने पूरा क्रिएट किया है। उसी श्रृंखला में जो मैंने वेलकम टू द लूम जो बड़ा इंस्टॉलेशन किया था उसी का एक छोटा पार्ट है। इसमें वही 24 कैरेट गोल्ड के आर्टिकल्स लगाए मैंने और उसको रेड कलर दिया है। रेड मेरे एंग्री, जैसे मैं एंग्री, मेरा एंगर दिखाने के लिए मैंने इसको रेड कलर किया है। और ये रेड गोल्डन वही मैं अगेन कि ये मेरे लिए बहुत प्रीशियस है जिसको लूट के ले जा चुके हैं। बेसिकली मेरा इन सारे इंस्टॉलेशन का कॉन्सेप्ट एक ही है और इंस्टॉलेशन कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। आप कोई भी इंस्टॉलेशन करिए उसके पीछे रिसर्च होती है और इंस्टॉलेशन कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। और आज जैसे बहुत सारे कलाकार हैं वो कुछ भी कर देते हैं और कुछ भी लगा देते हैं और उसको इंस्टॉलेशन कहते हैं, तो वो एक ट्रू इंस्टॉलेशन नहीं है। आप तो उसके साथ न्याय कर नहीं कर रहे हैं इंस्टॉलेशन के साथ। जब तक आपके पास जानकारी नहीं है, आपके पास रिसर्च नहीं है, आपको मटेरियल का ज्ञान नहीं है, आपको क्या मटेरियल लगाना चाहिए, आपको कैसे विजुलाइज करना है, आप कुछ भी लगा रहे हो, कुछ भी आप डिस्प्ले कर रहे हो उसको आप इंस्टॉलेशन कह रहे हैं, तो वो इंस्टॉलेशन नहीं है। तो बेसिकली आप जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपको हर तरह का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि उसका कॉन्सेप्ट बनाना है, उसका मटेरियल क्या यूज करना है, उसके ऊपर पूरी रिसर्च होनी चाहिए आपकी, और उसका मटेरियल का पॉलिटिक्स भी होता है, कॉन्सेप्ट का पॉलिटिक्स होता है और उसका विजुलाइजेशन का पॉलिटिक्स होता है। तो बेसिकली इसमें ये पूरा महत्व रखता है एक इंस्टॉलेशन के अंदर। मैं आपको कुछ, मैं पेंटिंग भी करता हूँ तो मैं आपको कुछ पेंटिंग्स भी दिखाना चाहता हूँ। ये मेरी लॉस्ट मेमोरी सीरीज है, बेस वही है मेरा बेसिकली। ये पेंटिंग अभी मेरे पास नहीं है, ये उन्हीं हवेलियों के अंदर जो दीवारों पर चित्र होते थे उन्हीं को मैंने यूज किया है।
आप इस पेंटिंग में देखेंगे, इसमें मैंने अपने सेंसेस के बारे में बताया है। ये सेंसेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसी मेमोरीज को सेंसेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसको टच करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने इनके पर, इन सेंसेस के ऊपर पंख लगाए। आपने मेरा जो रेड बॉक्स वाला वर्क देखा था वो यहीं से इंस्पायर हुआ था। जो ये अपने आले बने रहते हैं पुरानी हवेलियों में, तो मैंने बेसिकली वो आले ही बनाए थे और उनके अंदर वो ऑब्जेक्ट को मैंने क्रिएट किया था।
मेरा वर्क था इंस्टॉलेशन आर्ट के बारे में, जो भी थोड़ा बहुत मैं बता सकता था, समय का भी लिमिटेशन है। तो मैं राजस्थान फॉर्म श्री सीमेंट का बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने मुझे कि आज मेरा वर्क ऑनलाइन इस सेशन में प्रस्तुत करने का मौका दिया मुझे। साथ ही मैं श्री संदीप भुतोड़िया जी, श्री विद्यासागर उपाध्याय जी, श्री सर्वेश भट्ट जी, इनका भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। और मैं स्पेशल थैंक्स श्री विश्वन भट्ट जी को भी कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।